राणावट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको मैं अस्थमातन के रोगी जो भुगत भोगी हैं, जो शीघ्र पतन के शिकार हैं, जो इंद्रिय टेढ़ी के शिकार हैं, जो नामर्दानगी या नपुंसकता को प्राप्त हैं, जिन लोगों ने अपना धर्म और धर्म दोनों बेच दिया हो, जैसे धन आपने काफ़ी खर्च कर लिया, दवाइयाँ लागू न पड़ी, क्या मतलब निकला? जहाँ दवाइयाँ काम नहीं करती है, उसके कारण होते हैं कि तनाव में हैं, टेंशन में हैं, चिंता में हैं, और उन तनाव और चिंता वालों के लिए क्या एक शब्द हो सकते हैं, वो मैंने सैकड़ों लोगों के इलाज करने के बाद और इलाज कर रहा हूँ उसके बाद जो कविताएं बनी हैं, वो शब्द विप्रेरणा है, प्रेरणा नहीं है, विप्रेरणा दोष है। कैसे होता है वो आप सुनिए, इस पर कोई अन्यथा न लें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ विप्रेरणा लोगों की मनोदशा और उससे उभरने के लिए बाद में बताऊँगा, वो निरंतर आप देखते रहिए। तो सुनिए उन लोगों के भाव जो पीड़ित पक्ष हैं। सुंदरी के सेक्स में, सुंदरी के सेक्स की तमन्नाएं दिल में उठेगी, क्या खबर थी? सुंदरी की मुझ पर बिजलियां गिरेगी, क्या खबर थी? मेरी जवानी में बुढ़ापे की मदहोशी, तौबा क्या कहिए? ना मर्द मेरी दास्तान बनेगी, क्या खबर थी? सुंदरी की याद के किस्से, सुंदरी की याद में जाम, नपुंसकता की एकांतें सजेगी, क्या खबर थी? सुंदरी के जज्बातों को नहीं समझना, ये खता मेरी थी। मुझे नामर्द रुसवाइयाँ मिलेगी, ये क्या खबर थी? रुकिए, आप ठीक हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि एकांत का आनंद आपने पहले लिया है, अब आप एकांतवासी हो गए। एकांत में सिर्फ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, न कि हस्तमैथुन करते हैं। एकांत में हस्तमैथुन करने वालों की ये दशा खराब हो जाती है। जो सुंदरी को उनकी याद, उनके अंग, उनके किस्से देखते देखते ही रह जाते हैं और दर्द में भूलने के लिए, गम को मिटाने के लिए जो भी हो उस स्थिति में गुजरते हों, जो अनुचित हैं, जिन लोगों ने अपना इलाज में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए हों, जिससे वो ठीक न हुए हों, आप ठीक हो सकते हैं। बस अर्थ है आपको अच्छे डॉक्टर की इलाज की आवश्यकता है, आपको अच्छे काउंसलर की आवश्यकता है। अगर आप अच्छा काउंसलर से उपचार लेंगे तो आपको अल्टरनेट वैकल्पिक जो चिकित्सा मिलेगी, जिससे आप जल्दी तैयार हो सकते हैं। आपके डाइट प्लान की भी ज़रूरत हो सकती है, आप लोगों को अच्छी प्रेरणा की भी ज़रूरत हो सकती है। विप्रेरणा के बारे में मैंने जो बताया है, उसकी जगह अब आपको भी इसको त्यागना पड़ेगा। आपके दिमाग के अंदर कंप्यूटराइज जो प्रोग्राम फीड हो चुके हैं, उसमें वायरस ही वायरस आ चुके हैं, उसको वापस डिलीट करके नए सिरे से अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके आप पूर्ण मर्द बनोगे। मात्र दवाई खाने से ही नहीं, इसके लिए आपको काउंसलिंग, परामर्श की आवश्यकता है। परामर्श लीजिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने निकट जो भी साइकोलॉजिस्ट हो उनसे उपचार कराएं, और कोई समस्या हो तो डाइट प्लान, साइको समस्या, तो आप टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का जवाब, एक टिप्पणी को एक ही जवाब दिया जाएगा, न कि लगातार आप सवाल जवाब करें, हम देने में असमर्थ हैं। जो व्यक्ति फ़ोन करते हैं हमें, उन्हें फ़ोन पर जवाब देने में असमर्थ हैं, और वीडियो कॉल भी करते हैं उन्हें, वीडियो कॉल पर भी हम जवाब देने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप लाइन तोड़ के सीधे आ रहे हो, गुजरे हो, इस हिसाब से आप यह स्थिति नहीं देखते हो कि अगला व्यक्ति किस काम में बिजी है। आप तो डायरेक्ट फ़ोन पर फ़ोन करते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपका फ़ोन उठाएं, हम पहले से मना करते हैं। जो लोग व्हाट्सएप पर इलाज ले रहे हैं उन्हें उपचार देना हमारा काम है, पर जो लोग व्हाट्सएप के ऊपर एक दिन, दो दिन, तीन दिन लगातार चैटिंग चाहते हैं, हम नहीं दे सकते आप लोगों को ये इतना समय। जिन लोगों ने इलाज लिया है, हम
उन्हें ज़्यादा समय देंगे, बाकी लोगों को इतना समय नहीं दे सकते हैं। जिनको अविश्वास है वो वहीं रहें, और जिनको विश्वास है वो ट्रीटमेंट लेते रहें। किस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।